हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में। ये एमपीपीएससी 2020 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए डिस्कस करते हैं, ब्रीफ ओवरव्यू लेते हैं। देखिए, हमारे यहाँ देखा जाए तीन प्रकार की बॉडीज मिलती है यूजली। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इसे हम बोलते हैं संवैधानिक निकाय। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो बॉडी होती है जिनका जिक्र कहीं ना कहीं संविधान में जरूर होता है। इनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल जरूर कॉन्स्टिट्यूशन में अलॉट होता है, इसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी बॉडी होती है यहाँ पे, जिसे कहते हैं हम स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें, बोलते हैं सांविधिक निकाय। ये स्टैट्यूटरी बॉडी, इनका जिक्र संविधान में तो नहीं होता, लेकिन इनको क्रिएट करने के लिए पार्लियामेंट्री आप रेजोल्यूशन लेके आते हैं, उनके द्वारा इसी बॉडी को क्रिएट करते हैं, इसे बोलते हैं सांविधिक निकाय। बस फर्क ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी में कि कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी को यदि आप क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको संविधान में आपको स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, विशेष बहुमत से पास करना पड़ता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप अमेंडमेंट कर रहे हैं संविधान में। और दूसरी बात, स्टैट्यूटरी बॉडी की बात करें तो यहाँ पे एक सिंपल मेजोरिटी से इस बिल को पास करना पड़ता है और एक एक्ट लाके आप ऐसी बॉडी क्रिएट कर देते हैं। तीसरी बॉडी हमारे संविधान में है जिसका जिक्र किया जाता है, इसे बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात करें तो ऐसी बॉडी को बोलते हैं गैर संवैधानिक निकाय। इनका जिक्र संविधान में तो नहीं होता, लेकिन इनका जिक्र संविधान में तो होता नहीं, लेकिन इनको पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन से भी क्रिएट नहीं करते, इनको सीधा का सीधा जो एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन होता है उसके द्वारा क्रिएट किया जाता है। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसको क्रिएट करती है, मतलब ये क्रिएट होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब जो मंत्रिपरिषद होती है उनके द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। तो एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग यदि हम समझते हैं तो पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्रिएट करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना होता है। जैसे आपने परफेक्टली भी सुना होगा, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी, ये एक संवैधानिक निकाय बन चुका है। आर्टिकल 338 बी में इसको हिस्सा मिल गया है, प्रॉपरली संवैधानिक निकाय है। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, फाइनेंस कमीशन, ऐसी ढेरों सारी बॉडी जो होती है, दीज आर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी बात करें स्टैट्यूटरी बॉडी का, परफेक्ट एग्जाम्पल है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये सारे एग्जाम्पल जो है ये स्टैट्यूटरी बॉडी के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे मान लीजिए, बोल दिया मैंने एनएचआरसी, बोल दिया सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो गया, ये सारी बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी में आती है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में जिक्र करेंगे तो ऐसे निकाय जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, इनको क्रिएट करने के लिए कोई पार्लियामेंट्री रेजोल्यूशन नहीं लाया गया बल्कि इनको डायरेक्टली क्रिएट किया गया, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनका एग्जाम्पल तो बहुत कम है, जैसे नीति आयोग है। नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और दूसरी बात देखा जाए तो यहाँ पे एक और बॉडी है, इसका नाम है लॉ कमीशन। लॉ कमीशन भी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में काम करती है, इसको भी डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से क्रिएट किया जाता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है। ये तीन बॉडीज है जिनको आप याद रखेंगे। एमपीपीएससी 2020 में जो नया सिलेबस एड हुआ है, यहां पर आपको याद रखने वाली बात है, एमपीपीएससी 2020 में जो नया सिलेबस एड हुआ है यहां पे इसका एक बड़ा वेटेज है और पॉसिबिलिटी यहां तकरीबन 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एमपीपीएससी ने कुल मिला के 10 यूनिट बनाई है और उस 10 यूनिट में 10th यूनिट इसी को अलॉट किया है, तो पॉसिबिलिटी है कि यहां से आपको काफी सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये रहा डिस्कशन आज का, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे हमारे क्लासेस यहाँ पर होती हैं, स्पेशली एमपीपीएससी मेंस या सर एंड प्रैक्टिस, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। शाम को 4 बजे टेलीग्राम ग्रुप है हमारा जिसका नाम है राम सोनी एमपीपीएससी, उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक फेसबुक पेज है जिसका नाम है लर्न सर्विस, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। डिस्कशन पेज वाइडअप करते हैं, आप सभी लोग यहाँ पे आए थे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं।